नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। हाजिर हम एक लेटेस्ट लीगल वैकेंसी के साथ। ये वैकेंसी आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट कमांडेंट। आप सभी को पता है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से डिफरेंट डिसिप्लिन में रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कराया जाता है। लाइक जनरल एंट्री होती है, टेक्निकल एंट्री होती है, उसी तरह से यहाँ पर एक लॉ एंट्री होती है। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आपको इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा। वहाँ से आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे। फॉर रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, एंड फॉर एडवर्टीजमेंट आप जस्ट सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ से आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। लेटेस्ट लीगल जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल विधिक पल को। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एज असिस्टेंट कमांडेंट इन द डिसिप्लिन ऑफ जनरल ड्यूटी, टेक्निकल एंड लॉ फॉर द बैच ऑफ 2024। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके लिए जो ऑनलाइन अप्लीकेशन वो स्टार्ट हो चुके हैं 1 सितंबर से, जिसकी लास्ट डेट होगी 15 सितंबर। यहाँ पे डिफरेंट डिसिप्लिन से डिफरेंट पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं। हम बात करने वाले हैं लॉ डिसिप्लिन की। स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ से आप देख सकते हैं लॉ एंट्री। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम आपकी एज 21 ईयर होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा ना हो। एज की जो कट ऑफ डेट होगी वो है 1 जुलाई 2023। यहाँ पे 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स के पर्सन के लिए। बात करें इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन लॉ, वेदर 3 ईयर और 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स विथ 60% मार्क्स। यहाँ पे आपको शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट मिलेगा फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ 8 ईयर, विच मे बी एक्सटेंडेड टू 10 ईयर्स एंड फर्दर एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स। यहाँ पे फर्दर कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन अप्लीकेबल है, आप डिटेल से चेक कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो जो आपकी लॉ एंट्री है उसमें केवल एक वैकेंसी है। कैटेगरी की बात करें तो वो है UR कैटेगरी के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे वेरियस स्टेजेस में आपका सिलेक्शन किया जाएगा। 1 से 5 तक स्टेज होते हैं, जो कि कम्प्लीटली यहाँ पे डिस्कस किया गया है इसी नोटिफिकेशन में। स्टेज फर्स्ट में लॉ कैंडिडेट्स अपीयर नहीं होते हैं, यानी इन्हें डायरेक्ट एंट्री मिलती है स्टेज सेकेंड में। जो लॉ डिसिप्लिन के लोग हैं उनको स्टेज फर्स्ट में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोट में, लॉ कैंडिडेट्स विल अपीयर डायरेक्टली इन स्टेज सेकेंड एंड दियर मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन दियर स्कोर इन स्टेज थर्ड। यानी यहाँ पे लॉ डिसिप्लिन के लोगों को डायरेक्ट एंट्री मिलने वाली है स्टेज सेकेंड में, और आपकी जो यहाँ पे मेरिट प्रिपेयर होगी वो स्टेज थर्ड में, जो आप स्कोर करेंगे उसके बेसिस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेज सेकेंड में क्या होता है। यहाँ पे बेसिकली आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट CCBT जिसे आप कहते हैं, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट होता है। तो इसके जरिए स्टेज सेकेंड में आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये जो आपका CCBT होता है ये केवल इंग्लिश में होता है। स्टेज थर्ड होगा आपका फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, डिटेल से आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे। स्टेज फोर में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। स्टेज फिफ्थ आपका इंडक्शन प्रोग्राम है, बेसिकली प्रोविजनली आपको सेलेक्ट किया जाता है ट्रेनिंग के लिए। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से, जिसके लिए ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 1 सितंबर से। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो वह है 250 रुपीज़। यहाँ से आप प्रमोशन एंड पे लेवल देख सकते हैं, रैंक वाइज पे लेवल, एंड यहाँ पे स्टार्टिंग बेसिक पे है। ये बेसिक पे है आपका, अदर पर्क्स एंड अलाउंसेस यहाँ पे इंक्लूड होने वाले हैं। आपकी सैलरी 1 लाख प्लस होने वाली है। दोस्तों इसके नोटिफिकेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ से आप इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का भी लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।